जुल्फार अंसारी, मैं हजारीबाग से हूँ। मैं TNR ये दहूर टूर्नामेंट यहाँ पे रांची ब्लॉक चौक के अंदर, ब्लॉक चौक से काफी दूर है, 2 किलोमीटर। एक बढ़िया शॉट लगाते हुए पे और काफी लंबा हिट यहाँ पे बैट्समैन द्वारा, काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं बैट्समैन। और यहाँ दर्शक काफी उमंग दिखाते हुए, यहाँ पे आज काफी दर्शक दिख रहे हैं क्योंकि सेकेंड राउंड और सेमीफाइनल का मैच है। एक और बैट में यहाँ पे फील्डर फुटबॉल खेलते हुए, जिसकी गलती से चौका प्राप्त हुई बैट्समैन टीम का। लगातार बल्लेबाज काफी आक्रमण दिखते हुए और बॉलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया। यहाँ पे बॉलर ने अच्छा फंसाया, नहीं बॉलर ने फंसाया था, यहाँ पे फील्डर साथ नहीं दिया। काफी गुस्से में है बॉलर। बहुत ही बड़ा गलती यहाँ पे, बहुत इजी कैच यहाँ मिस करते हुए इरबा का टीम, बहुत ही इजी कैच, एक दूसरे के डिपेंड में रह गए। आप लोगों से गुजारिश है, आपको बार बार आप लोगों से गुजारिश किया जा रहा है कि आप साइड होकर है भाई। जी बिल्कुल, बैट्समैन बच गए हैं, हेलो, क्योंकि वो मन बना चुके थे कि अब तो मैं गया, यहाँ से चलने का तैयारी करने वाले थे। और अच्छा यहाँ पे फील्डिंग बैट्समैन को कंफ्यूज करते हुए, यहाँ पर एक और लंबा सिक्स, बहुत ही बढ़िया, बैट्समैन को मौका दीजिएगा तो छक्का खाइएगा, बैट्समैन को मौका दीजिएगा छक्का खाइएगा, और वही हुआ। बॉलर क्या करे आखिर, बॉलर तो फंसाए थे, फील्डर साथ दिया नहीं, यहाँ पे छक्का खा के नुकसान खाना पड़ा यहाँ पे बॉलर को। चंदन पांडे, चंदन भैया हजारीबाग से बोल रहे हैं क्या? एक और यहाँ पे अच्छा बाउंड्री और सिक्स यहाँ पे बैट्समैन द्वारा, काफी महंगा साबित हुआ यहाँ बॉलर, सिर्फ एक कैच मिस हुई थी यहाँ पे फील्डर द्वारा, जो काफी महंगा यहाँ पे, जो बहुत बड़ा गलती हुई यहाँ फील्डर से। जी यहाँ पे कोको दोरो बैटिंग कर रही है और फील्डिंग इरबा है, बैक टू बॉल्स, यहाँ दो छक्का खाते हुए बॉलर, क्योंकि इन्हीं का कैच छुट्टी थी यहाँ पे। एक और यहाँ पे लंबा बाउंड्री और लंबा छक्का यहाँ पे, बहुत ही महंगा साबित हुए वो एक कैच जो मिस हुई, और यहाँ पे 18 रन बनते हुए बैट्समैन द्वारा। आज फील्डर नहीं बचने वाले, यहाँ घर जाएंगे और इनका हिसाब किताब शुरू होगा सारे टीम का। यहाँ बॉलर का गलती पकड़ाएंगे नहीं, क्योंकि सारा बॉलर का गलती जो है वो फील्डर, ये फील्डर 09 नंबर, उनका सारा गलती अपने आप पर ले लिए। भाई फाइनल सेमीफाइनल के लिए मैच खेलने वाले हैं तो दिखावा नहीं होंगे, प्लेयर अच्छा होंगे, मिस्टेक होती है, मैच है, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट बॉलर आते हुए यहाँ पे इरबा का, यहाँ पे एक कैच फिर से बनते हुए है, एक और कैच यहाँ पे पहुँच नहीं पाए फील्डर, और यहाँ पे एक रन का इजाफा कोकोदोरो का। जी जी इरबा बैटिंग कर लिया, 92 का टारगेट है इरबा का, बैटिंग हो गया, 92 का टारगेट है। बता रहे हैं निगम थोड़ा आराम कर रहे हैं, आएंगे अभी इसके बाद। एक और लंबा छक्का यहाँ पे बैट्समैन द्वारा, क्योंकि कैच छूटने के बाद काफी आक्रमण नजर आ रहे हैं बैट्समैन, बहुत ही महंगा साबित हुए यहाँ पे एक कैच जो ड्रॉप हुई, बस काफी आक्रमण हो गए हैं। इनका कैच नहीं छोड़ना था, इनका कैच जो छूटी है मैच पलटी है यहाँ पे, कैच छूट बहुत ही महंगा पड़े यहाँ पे। शायद ये फील्डर आज अपने आप को माफ नहीं करेंगे। कैच छूटने से पहले मुझे भी नहीं पता था कितना आक्रमण बल्लेबाजी करेंगे ये, लेकिन अब पता चल रही है कैच छूटे कितना महंगा पड़ रहा है ये। कहाँ चल गए लोग जा रहे हम कहीं वो सेल हम हट जाए भाग। हाँ एक और छक्का, यही कहाँ लागो कौन होगा कौन होगा टेंट का है थोड़ा टेंट है आज आज टेंट है इस टूर्नामेंट का पहला 6 बॉलों में 6 सिक्स लगाने वाला प्लेयर बन सकते तो है। और दूसरा है वो टाइट है ऊपर नीचे वाला निगम को कमेंट्री करने बोलिए गुलाम को, स्कोर आप नहीं बताए थोड़ा टाइट है कल इतना टाइट नहीं था। और फिर से वेलकम है आप सबका, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार आप देखें लाइक किए हुए होंगे तो शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार लाइक कर दे। और दीपांशु जो अपने बल्ले से 6 छक्के लगा चुके हैं, उनका कैच छूटता हुआ कीपर से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फिलहाल इरबा की टीम को, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी करते हुए। और इरबा चाहेगी कि किसी तरह दीपांशु का विकेट मिल जाए उन्हें, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लगातार छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति पे 37 रन हुई थी फिलहाल। आपका आवाज शुक्रिया। और 51 रन हो चुका है फिलहाल, शोएब 51 रन हो चुका है। आज जल्दी बात करके बताओ हमको, ठीक है? हाँ जल्दी बात करके बताओ हमको। और फिलहाल लाइक में भी आप सबका आता हुआ फिर, ठीक है ठीक है, जिसका नहीं हुआ है हुआ है। और लाइक करो, और स्कोर बता चुके हैं 51 रन हुआ है 51 रन, और ओवर समाप्त होने के बाद आपको बताया जाएगा। इरबा ने टारगेट खड़ा किया था 52 रन का, 53 रन में जीत है, 53 में जीत, 93 में जीत है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट बॉल। हेलो 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 एसजे फैक्ट वीडियो, हेलो तबरेज अंसारी जी, बैट्समैन का नाम क्या है? वसीम फ्रॉम बीसीसीआई। शोएब तुम बात करके बताओ हमको जल्दी। पहले ओवर में बिछड़ने के बाद कोकोदोरो की टीम ने पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने नाम की है, और ये पावर प्ले में दीपांशु को बल्ला खर्चा है, छक्का पर छक्का।
51 रन, 3 ओवर के समाप्ति पे 51 रन, कुकरू 11। प्रमोद कुमार, जो भी मैच हो रहा है बैटिंग पार्टी में कितना रन हो गया बताएं। चार बल्लेबाज युवराज सिंह के द्वारा और फिलहाल कमेंट का जवाब बाद में, फिलहाल फोकस किया जाए इस मैच पे जो काफी रोमांचक हो चुका है। फिलहाल एक कैच छूटा दीपांशु का और जिसका खामियाजा भुगत रही है फिलहाल इरवा, काफी आसान सा कैच। सवान भाई गुंडूरों का इनसे बोलिए सुबेर क्या खेल रहा है, मैं आपको जानता हूँ एस जे फैक्ट वीडियो में आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ मैं। और ये अच्छी गेंद राम अंसारी के द्वारा, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। वाह, बस किसी भी तरह दीपांशु का विकेट चाह रही है कि उनका विकेट मिल जाए और दबाव फिर से कोकदोरो की टीम पे बनाई जाए। फिलहाल आप अपना नाम बता दे भाई, अपना नाम बता दे। और मैं चाहूँगा आप लोग लाइक करें यार, अभी भी कुछ ही लाइक पीछे हैं हम लोग। अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ, अगर ये लेग बिफोर होती तो ये काफ़ी आसानी के साथ आउट दिए जाते दीपांशु, मगर इस मैच में लेग बिफोर नहीं है इसलिए फिलहाल वो सेफ है। बिल्कुल इरवा ने पहले बैटिंग करते हुए 92 रन बनाए, 93 रनों का स्कोर खड़ा किया था और दीपांशु ने उसे काफ़ी आसान बना करके रखा है। 5 छक्के लगा चुके हैं 5 गेंदों में, फिलहाल वो अभी क्रीज पे बने हुए हैं। बिल्कुल इसके बाद नेवरी का मैच है, मुश्किल से और 20 मिनट लगेंगे बस। बिल्कुल हम कूटे से ही हैं और ये अभी भी दोनों बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद और हमारा टारगेट कंप्लीट होता हुआ लाइक का। मगर मैं फिर भी चाहूँगा आप लोग लाइक करते रहें। मसूद कटिंग हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ मसूद है, बोलो। बेहतरीन खेलिंग अपने टीम के लिए 5 रन बचाते हुए, क्या करियो देख 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 यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रुक जाओ, इसे छोड़ दो, अच्छा है थोड़ा हार्ड। 40 रन के स्कोर में देखो बॉल को हिलाओ मत बिल्कुल, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट हमारे साथ जुड़ते हुए और काफ़ी सारा मैच इतना रोमांचक है कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, सबका शुक्रिया। 57 रन और लाइक भी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव में और लाइक भी काफ़ी सारे लोगों ने किया है तो सबका शुक्रिया। और दीपांशु अभी भी क्रीज पे बने हुए हैं और जब तक वो क्रीज में अगर कुछ देर और ठहर जाते हैं तो फिर ये मैच हाथ से धो बैठेगी, हाथ से बिल्कुल। स्कोर
चार ओवर के समाप्ति पे 57 रन। अभी भी मैच में वापसी बना सकती है इरबा की टीम अगर विकेट निकाल लेती है तो। और मैं मुंबई से दीपांशु का भाई, बिल्कुल आप अपने भाई का खेल देखिए हमारे थ्रू ही सही, अगर आप देखें काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी हिटिंग दिखा चुके हैं अब तक चंदन कुमार जी। मैं चाहूँगा कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करते जाए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बेल आइकन को दबा। जनवरी के मैच किसके साथ? बर्वे के साथ है, बर्वे के साथ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करते जाए क्योंकि सबसे अहम चीज़ सब्सक्राइब के साथ, आप बेल आइकन को भी दबाएं। फाइनल कब है? कल है। काफ़ी सारे लोग और आप सबका शुक्रिया। और अगर ये कुछ भी कह लें, एम्पायर कितने आखिरी निर्णय होगा, दीपांशु कहाँ का है, कुकदरों का नहीं है मैच का। बिल्कुल मैच में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैच में मज़ा ज़रूर आ रहा है, मगर अभी भी मैच में वापसी हो सकती है। काफ़ी सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पे आए हुए तमाम ऑडियंस का शुक्रिया कि वो मैच को और इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं। फिलहाल दीपांशु और एस डी एफ वीडियो, भाई तुम्हारा नाम बता। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये हम ही लोग का चैनल है और शोएब पीटी। अरे तुम बात करके बताओ ना जल्दी, दीपांशु पिठौरिया का है देख रहे बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा ही है, मेरा भाई का अपना। और ये क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपांशु, क्या शानदार, अकेले अपने दम पर इस मैच को आगे लेकर के जा रहे हैं। 50 रन का आंकड़ा छू चुके हैं दीपांशु और ये 50 उनके बल्ले से निकलता हुआ और काफी शानदार। सपोर्टर्स काफी खुश, काफी उत्साह, फुल सपोर्ट, थैंक यू। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, मगर चंदन कुमार सिंह भाई आपका इरबा ने 92 रन बनाए थे मगर उसे काफी आसानी के साथ चेस करती हुई नजर आ रही है दीपांशु की टीम। बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी सारे ऑडियंस उनके नए फैन बनते जा रहे हैं, लगातार छक्कों पे छक्के लगाए जा रहे हैं दीपांशु लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से निकलते वक्त भी लाइक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल और ये ओवर की समाप्ति में और 5 ओवर की समाप्ति पे रोमांचक मोड़ पे पहुंचते हुए 18 गेंदों में 67 रन हुए हैं। 18 गेंदों में कम दूरों को जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत, अभी भी मैच में रोमांच बन सकता है अगर विकेट मिल जाए तो, क्योंकि 18 गेंदों पे 26 रन आसान नहीं होगा अगर इरबा की ओर से एक अच्छी ओवर देखने को मिलती है जिस ओवर में 2-4 रन के साथ 2-3 विकेट भी मिल जाए, यही उम्मीद करता मैच में रोमांच बन सकता है। दीपांशु जिन्हें स्ट्राइक से दूर रखना चाहेगी इरबा, दोनों जो चाहेगी कि दीपांशु स्ट्राइक में रहे और 3 हिट लगा करके इस मैच को समाप्त करे। प्यार में धोखा खाया हुआ है दीपांशु, ठुकरा के मेरा प्यार, उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतकाम देखेगी क्योंकि ये बल्लेबाज काफ़ी आगे तक खेलेंगे और खेलते नजर आएंगे।
चाहूँगा आप सबके फैमिली वालों को बधाई कि उनका बेटा भाई चचा जो भी है सबको अच्छा खेल रहा है बंदा। अब अपने टीम के कमान संभालने के लिए आए हैं इरबा से मुतल्लिफ। अगर अभी भी जिस तरह से बैटिंग कर रहे दीपांशु, अगर उनका विकेट निकलता है तो कहीं ना कहीं इरबा कुछ इस मैच में रोमांच डाल सकती है। और हमारे साथ लगातार काफी सारे ऑडियंस जुड़ते हुए और इसके बाद का जो मैच है वो भी काफी रोमांचक क्योंकि ये और भाई तुम नाम बता दो ना, तुम केवल सस्पेंस पे सस्पेंस डाले जा रहे हो एसजे इफेक्ट वीडियो यार। ये तुम नाम बता दो यार, और किसके घर में तुम्हारा नाम घर बस। और 18 गेंदों पे 26 रन और इरबा अपने मैन बॉलर के साथ आते हुए क्योंकि उन्हें पता है कि ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है, अगर इस ओवर पे विकेट मिल जाती है तो मैच में फिर से वापसी कर पाएगी वरना ये मैच से काफी दूर। 67 रन बना चुकी है अब तक 18 गेंदों पे 26 रनों की दरकार शोएब। 67 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे कुंभ रहे। 18 गेंदों पे चाहिए 26 रन, विकेट बची है 8। बात और ये काफी लंबा छीक और दीपांशु जो चाह रहे हैं कि मैच इसी ओवर में समाप्त कर दे। क्या बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज, सिर्फ एक कैच। हम जिस तरह से आप सब देख रहे होंगे इस मैच को, अगर आप पूरी तरीके से शुरू से जुड़े हुए होंगे खासकर सेकेंड इनिंग में, तो आप देख सकते हैं कि कीपर का वो कैच कितना महंगा साबित हो रहा है। फिलहाल उस छक्के के बाद 8 छक्के लगा चुके हैं या 7 छक्के लगा चुके हैं बिल्कुल। 17 गेंदे 20 रन कैच छोड़ो मैच छोड़ो का साधारण और काफी शानदार उदाहरण आज का मैच। अगर वो कैच ली जाती तो अभी फिलहाल इस मैच का रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता, मगर वो कैच इतना महंगा पड़ सकता है। इरबा के टीम ने सोचा नहीं होगा कि एक बल्लेबाज अकेले अपने दम पर मैच को अपने नाम कर ले और ये फिर से बेहतरीन शॉट फील्डर के सामने से एक रनों के लिए कुछ राहत का सांस इरबा के लिए। अब चाहिए कोंगोरों को जीतने के लिए 19 रन, गेंदे बची है 16 गेंदे 19 रन पूरा पूरी 8 विकेट काफी ज्यादा से बॉल के लिए तैयार कोंगोरों के पास। ये मैच को अगर जीतना होगा तो अच्छी फील्डर के पहुंच से दूर फिर से स्ट्राइक पे आते हुए दीपांशु। बिल्कुल आप सबका सपोर्ट रहेगा तो इससे भी बेहतर देखने को मिल सकता है आप लोगों को। काफी मैं चाहूंगा कि जो लोग नए होंगे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करते हुए जय बेल आइकन दबाते हुए। और ये एक और छक्का बैठ के सीधी डाली गई गेंद और लगातार काफी लंबा छक्का देखने को मिल रहा है। इनका कैच छूटा है उसके बाद जो इनका बल्ला चला है मैच को एक तरफा कर दिया है इन्होंने। अगर वो कैच कहीं ना कहीं मैच का जो रोमांच है कैच छूटने के बाद का जो रोमांच चला है जो मैच चला है आप ऑडियंस देख सकते हैं किस तरह से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड। और ये वाइट बॉल और कौनसी के सपोर्टर डिसीजन पेंडिंग थर्ड अंपायर के पास
की अंपायर का निर्णय हुआ है लेकिन डिसीजन पेंडिंग में है और है इमरान हमारे निराश अंपायर का डिसीजन सही है बाजों ने उनका सपोर्ट नहीं किया सहारा लिया गया इस गेंद के लिए फायर करने में सही था बिल्कुल गेंद वाइड थी इससे ज्यादा मजा आता है सबका कमेंट देखने में शोएब अंसारी बिल्कुल और काफी सारे लोग हमारे साथ फिर से जुड़ते हुए मैं चाहूंगा कि जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो बेल आइकन को दबाएं क्योंकि भाई पहले अंपायर का स्पेलिंग से अरे शोएब छोड़ो यार स्पेलिंग पे फोकस नहीं अभी गेम पे फोकस करो ठीक है वाइड नहीं है बिल्कुल वाइड थी और वाइड दी गई और ये अगली गेंद 500 स्ट्राइक पे क्या देखने को मिलेगा एक और छक्का नहीं इस बार जमीनी शॉट और एक रन मिलेगा और चुराना चाहेंगे रन मगर काम जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अगर उतने लोगों के थ्रू अगर लाइक हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी ये छः मारने से 500 रुपये मेरे तरफ से बिल्कुल फंटोस टीम फोन पे कर देना 500 तुमको दे देगा तुम भी तो स्पेलिंग में स्पेलिंग गलत लिखा है और ये कहाँ गई गेंद वहाँ एक रन कलाम भाई को दोबारा जबरदस्त 4 रन को बचाए ये फैक्ट वीडियो तुम अभी भी सस्पेंस में बने हुए हो और ये काफ़ी दूर निकल चुकी है रिबा के हाथों से ये मैच और कुकदुरो अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत कर चुकी है जितना अंबुजा सीमेंट है बता दूँ कि आप लोग इस चैनल के थ्रू जो मैच देख रहे हैं यही नहीं आने वाले और टूर्नामेंट में भी आपको इसी चैनल पे दिखाया जाएगा लाइव लगभग ये मैच कृपा से दूर अब महज औपचारिकता ही बची हुई है क्या कुछ करिश्मा देखने को मिलेगी इस मैच में देखना होगा और ये आई एम फ्रॉम चकला नदीम और ये राइट बॉल गरीबी में आटा गीला बिल्कुल गरीबी में आटा गीला कार कैच ड्रॉप होता हुआ एक कैच ने क्या मैच पलटा है कहना होगा सीखना होगा आने वाले टीमों के लिए कि वो देखे कि एक कैच कितना महंगा पड़ सकता है टीम के लिए और ये और एक और कैच छूटता हुआ एक और कैच छूटता हुआ लगातार कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं अपने टीम के लिए पूरा पूरी 5 रन बचाए जबरदस्त फील्डिंग
मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक करते जाएं चैनल को और सब्सक्राइब भी करते जाएं। और मेरा गाड़ी छूट गया, क्या करें भाई, तुम एरोप्लेन में आ जाओ। और मैच को समाप्त करना चाहेंगे दीपांशु छक्के के साथ। देखना होगा कि किस तरह से इस मैच का समापन होता है। बिल्कुल जिस तरह से, क्या छक्का है, क्या लगा है, क्या हिटिंग पावर है दीपांशु, उभरता हुआ खिलाड़ी। अभी भी शायद कुछ रन बाकी। ये कैच इतना महंगा पड़ चुका है कि क्या ही कहना। काफी निराश विकेट कीपर, उन्हें पता है कि उन्होंने कैच नहीं मैच छोड़ दिया था उनके एक गलती की वजह से। मगर ये मैच है, क्रिकेट है, ऐसी घटनाएं घटते रहती है। और एक और छक्का के बाद मैच के समापन। अकेला बल्लेबाज कहेंगे फाड़ दिया है। कई छूटने को लेकर बोले कई छूटा उसको। शानदार बैटिंग देखने को मिली है आपकी। आप अगर कहना चाहेंगे क्या है, आपने 8 छक्के लगाए हैं या 9 छक्का, फिलहाल आपका ये करियर का पहला 50 था या फिर नहीं? आपको क्या लगता है वो बता दो। आपको एक कैच इतना महंगा पड़ सकता है, हम लोग आप लोग लाइव देखते हैं कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो का उदाहरण दीपांशु, जिनके बल्ले से 9 छक्के निकले हैं आज, वो भी एक हैट्रिक के साथ। बिल्कुल दीपांशु को पहले पूछिए कहीं आपका भाई का वो हाय तो काम नहीं कर गया जो बोलने वाले थे। आपको काफी सारी दुआएं दी आपकी पूरी फैमिली आपके साथ थे। अगर फिर तो आप क्या हाय कर दीजिए आपका भाई को, पूरा मैच में बोले और फैमिली के लिए कहना चाहिए। जब भी मौका मिलता है हर जगह खेलने के लिए मुझे भेज देते हैं। पूरा मैच आपके फैमिली वालों के साथ बचाव करके भाई, जो चैनल के सपोर्ट में कुछ बोल दो भाई को, अपने भाई को पर्सनली बोलो। चंदन कुमार सिन्हा कौन है? चंदन कुमार सिन्हा मेरे भैया थे ना। हाँ देख, मेरे भैया है अपने जमशेदपुर से, वो लाइव देख रहे हैं। और पर्सनली उनको बोलो बस, आपकी दुआएं मुझे लग रही हैं, आप करते रहो। नहीं बिल्कुल, आप बढ़िया भैया भाई, मिलते हैं आपसे जमशेदपुर में। बिल्कुल, और मैच का समापन होता हुआ काफी अच्छा। और ओनली मुस्लिम भाई शहबाज कॉलेज छोड़ के मीडिया में नहीं बनाए भाई ये, आपसे भी मिलते हैं। और हम कहना ये चाहेंगे कि मीडिया नहीं बने हैं, दरअसल ये चैनल का शुरुआत है और मेरा कुछ और ही वर्क है भाई। मैं तो अपने भाई का ये चैनल है तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो हजारीबाग का है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बस अपना नॉलेज का यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ बस। और मैं बता दूँ कोकदरों सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है और ये मैच का समापन हो चुका है। इरबा 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा उनको बाबू। और इसका भी प्रमोशन कर दे बिल्कुल। और तब तक मिलते हैं भाई, आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और चंदन कुमार आपका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने भी
लाइक नहीं किया, जाते जाते लाइक करते जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, और जो नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो कर चुके वो शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।